निकलो इस घर से, चलो गेट आउट, निकल जाओ इस घर से, कभी शक्ल मत दिखाओ, मुझे मत निकालो रणवीर, आई लव यू रणवीर, आई लव यू रणवीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, दरवाजा खोलो रणवीर, रणवीर। रिया क्या हो गया, कहाँ खो गए? क्या सोच रही हो, बधाई दे दो, आई विश तुम्हारा जान जैसा बच्चा पैदा हो। इतने सारे लोगों ने इतना सब कुछ कहा, इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी, नजर ना लगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप सब ने यहाँ आकर प्राची की गोद भराई, इतनी सक्सेसफुल बनाई, इतने अच्छे से हो गया सब कुछ, थैंक यू सो मच। बट असली मजा तो अब शुरू होगा जब हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे। गेम? हाँ गेम। आप सब इस तरफ आइए, मैं सबको समझाती हूँ, प्लीज ले, सारे आ गए, अब बता क्या गेम है। इस गेम का नाम है गुड्डा या गुड्डी का खेल। ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। हाँ क्योंकि बहुत साल पहले इसे खेला जाता था, लेकिन अब कई सालों से लोग इसे खेलते नहीं है, या बहुत लोग इसे खेलना भूल गए हैं। बट नेवर माइंड, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस गेम की कि ये गेम सिर्फ होने वाले पापा और मम्मी के बीच खेला जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इनकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे एंड देन एक एक करके दोनों इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। जनरली होता क्या है कि होने वाले मॉम एंड डैड के दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि उन्हें लड़का होगा या लड़की, तो बस ये गेम उसी के बारे में है। ये फूलों की माला देख रहे हैं आप लोग, इसमें जगह जगह पर फूलों के बीच में गुड्डा और गुड्डी लगी हुई है, तो बस होने वाले डैड की मॉम और दादी इस माला को पकड़ेंगी एंड इसे गोल गोल घुमाएंगी और आंखों पर पट्टी बांधे मम्मी डैडी एक एक करके इन टॉयज को हाथ लगाएंगे, महसूस करेंगे और एक टॉय पकड़ेंगे। अब आपकी डेस्टिनी में क्या है वही आपके सामने आएगा, तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में गुड्डा है या गुड्डी। ये तो बहुत ही मजेदार गेम है, बहुत मजा आएगा खेलने में, तो चलिए शुरू करें। मामी जी आइए, एक मिनट, प्रिया प्राची और रणवीर की आंखों पर पट्टी बांधो और एकदम कस के बांधना। ओके, नहीं मैं नहीं बांधूंगी। I'm sorry, मेरा मतलब है मेरे अंगूठे में चोट लगी है, hurting really badly. अगर मैं बांधूंगी तो नॉट खुल जाएगा, you know, गेम में मजा नहीं आएगा, आप किसी और से पूछिए ना मॉम। अरे तो कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूँ, मैं किस लिए। हाँ, और प्राची को मैं बांध देती हूँ। बांध दिया। हाँ, अब क्योंकि प्राची माँ बनने वाली है, शुरुआत उसी से करें। अरे एकदम सही कहा, ये होने वाले बच्चे की माँ का पूरा हक बनता है कि वो कहे कि उसे गुड्डा चाहे या गुड्डी। आओ प्राची। मुझे पता है प्राची के हाथ में क्या आएगा।
अरे वाह प्राची ने तो नहीं बोला है। अरे नहीं नहीं उसे महसूस करने दो, चेक कर रही है वो। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। ये लो प्राची ने बता दिया कि उसके हाथ में, अरे उसकी गोद में क्या आने वाला है, गुड्डा या गुड्डी। लेकिन अभी कोई नहीं बताएगा इसे कि उसने क्या पकड़ा है। ओके एक मिनट इसे बांध दूं मैं। ये ले तू अब इसे अपने पास रख। रणबीर हमें तो पता चल गया कि प्राची के मन में क्या है, वो क्या चाहती है, लड़का या लड़की। अब तुम्हारी बारी, चलो देखते हैं तुम क्या चाहते हो। मैं जानता हूँ प्राची को लड़का चाहिए, तो मैं तो लड़की चाहता हूँ, पर जो भी हो वो होगा हमारे प्यार की अच्छी निशानी। आजा चल ब्रो, जल्दी सिलेक्ट कर हमारी टीम में कौन आने वाला है। अरे नहीं नहीं अभी नहीं उतारना, मम्मी डैडी दोनों टॉय सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उतारना, ठीक है। अरे विक्रम जरा यहाँ आना तो। क्यों? अरे आओ ना, ये पकड़ो, मुझे पानी पीने जाना है। ओके ओके घुमाएं। चलो अगर रणबीर ने ये वाला टॉय पकड़ लिया तो फिर क्या है, दोनों को जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या हुआ रणबीर? रणबीर कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है रणबीर, उधर नहीं जाना, इधर आ जा भाई। अरे कहाँ जा रहा है? पता नहीं मम्मी जी। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में, मेरा भाग्य मेरी पसंद मेरा सब कुछ जो भी है सब प्राची के हाथ में। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। हम दोनों दो जिस्म है लेकिन जान एक है, हमारी डेस्टिनी अलग अलग कैसे हो सकती है। तो प्राची के हाथ में जो भी है वो मुझे मंजूर है। क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है? अब मेरे बारे में भी भविष्यवाणी बताएगी क्या? एक मिनट आने में बताती हूँ। अरे भाई की हो गई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, भाभी की हो गई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मॉम डैड का ये गेम तो पति पत्नी के लव पर जाकर खत्म हो गया। अरे खत्म का, यहाँ से तो नया प्यार शुरू होगा। बताएगी कि क्या है? बताऊंगी। अरे मेरा हाथ तो छोड़, ऐसा लग रहा है कि पिंड का कोई लड़का है ना शहर की लड़की से आशिकी करने आया है। दलजीत मैं एक सीरियस बात कहने आई हूँ, ऐसा ना हो 2 साल के बाद तू मुझे कहे मैंने गलती कर दी जब तुझे सच का पता चले। कैसा सच, कैसी गलती? बेंडी तेरा इस उम्र में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? अरे हाँ हाँ सॉरी ना बोल। तुझे तो पता है नफ्स देख के मुझे प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, टच करके मुझे वाइब्स का पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा है, और वो जब बाहर आएगा तो दुनिया में क्या करेगा। मुझे पता है कि तू पंडिताइन नहीं है, हाँ लेकिन तेरे हाथ में शफा है। लेकिन ये सब बोल के तू मुझे डरा क्यों रही है? हाँ रिया का हाथ पकड़ा था मैंने। हाँ तो जब मैंने रिया का हाथ पकड़ा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा,
मुझे ऐसे लगा उसके अंदर सब काला डार्क अंधेरा है। ऐसी वाइब्स मैंने कभी भी किसी होने वाली माँ में नहीं देखी है। लगता है उसके अंदर बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने बोला है तो होगा, लेकिन मुझे वाइब्स अच्छी नहीं लगी। मैंने पल्लवी को भी बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि प्राची का जो बच्चा होगा इस घर का नाम रोशन करेगा, घर का चिराग होगा, घर का वंश आगे चलाएगा, बहुत सारा गुड लक लाएगा, खुशियां लाएगा घर में। जो कह रही हूँ समझने की कोशिश कर। सिंस रियाज चाइल्ड विल बी बॉर्न इन रॉन्ग नक्षत्र, इस घर में उसके पैर भारी पड़ेंगे। मुझे लगता है कि तू आजकल है ना टीवी सीरियल ज्यादा देख रही है। ये प्रेगनेंसी का बताते बताते फ्यूचर कब से बताने लग गई तू? तू भी ना, अब बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होगा उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। अरे वो ज्योतिष बताएगा। अरे रिया को घर भेज दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तू चल अभी मेरे साथ। रिया को घर भेज दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
आई एम सो ग्रेटफुल आप सब लोग आए, प्राची को इतने आशीर्वाद दिए, हमारे साथ इतनी सारी खुशियां बांटी, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट, आप जब जाएंगे आप बिना खाना खाए मत जाइएगा। थैंक यू एक बार और आने के लिए। आई थिंक मुझे भी अब चलना चाहिए। तुझे भी चलना है तो मेरे साथ चल, मेरे घर को अपना ही घर समझ लो। कम मैं बस व्यू देख रहा था। It's nice to meet you after ages. नहीं वो एक्चुअली प्राची ने मुझे कहा था टेरेस पे आने के लिए। Oh my God, Shana, बिल्कुल नहीं बदली हो यार। Thank you. Nice to meet you after ages का मतलब होता है कि तुमसे इतने दिन बाद मिलकर अच्छा लगा। मैं टेरेस पे मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। Oh, sorry. एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें शाना की बच्ची कहके बुलाता हूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा? मेरा मतलब है कि ये देखकर अच्छा लगता है कि इतना टाइम हो गया और पर तुम अभी भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। नो रियली, बट मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे ऐसे बात ना करूं। आई कैन सी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। नर्वस क्यों? नहीं बस ऐसे कुछ। एक बात और बोलो। हाँ। तो दुनिया में कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा यार, तुम्हारा ये जो बॉयफ्रेंड है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बॉयफ्रेंड? हाँ, वो जो भी था, वो क्या पहना था उसने, व्हाइट कुर्ता एंड ऑल। वो स्टैनली नाम है उसका। हाँ। नाम भी कितना अजीब है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई स्टील का डब्बा बात कर रहा है। और तुमने हाइट देखी है उसकी, और बालों के बारे में तो मैं कुछ ना ही बोलूं ना तो बेटर है। तुम कुछ ना ही बोलो ना तो अच्छा है। बुराई नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ उसकी कमियां बता रहा हूँ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें तो दुनिया का कोई भी हैंडसम डैशिंग कैसा भी लड़का मिल जाएगा यार, कोई भी। आर्यन, तो तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही हूँ। अरे वो मैं बस ऐसे ही थोड़ा ऊपर आ गया और खाना भी यही थी तो हम पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। You know, actually, we used to play a lot here, me and... अरे, मुझे लगा सिर्फ शाहना है यहाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, आप कर लीजिए अपनी प्राइवेट बातें। आर्यन, प्राची, अरे प्राची, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम यहाँ आओ। अरे वाह, सो मेनी पीपल। ये लो, मैं तुम्हारे लाया हूँ ये ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये बहुत टेस्टी है, बताए, और ये हेल्दी भी बहुत है। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ। तो एक काम करो, खाने की तरह मत खाओ इसको, तुम एक काम कर लो, स्वीट डेजर्ट की तरह खाओ। नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है, प्लीज। अरे जगह तो दिल में होनी चाहिए प्राची, पेट में तो अपने आप बन जाती है, ये मैंने कहा। तो खाओ, ये रहो, मेरे हाथ से। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे यहाँ तो आप लोगों की अलग पार्टी चल रही है। I'm sorry, मैंने आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, इनफैक्ट आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप आ ही गए हो तो एक और काम कर दो प्लीज, प्राची को ये लड्डू खिला दो, वो मेरे से खानी दे। अरे खा लो ना बेटा, बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैंने अपने हाथों से बनाए। तुम खाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। ठीक है, एक खा लूंगी। एक खा लो, आई विल फील रियली नाइस। मैं खिलाती हूँ। बहुत अच्छा है। गुड गर्ल। अब मैं ये ले जाती हूँ, लेकिन बाद में पूरा फिनिश करना है तुम्हें, ओके? मैं जरा थोड़ी देर में आया, मेरा एक्चुअली फोन नीचे रह गया। सी यू। यार पल्लवी आंटी कितनी चेंज हो गई है ना? हाँ, चेंज तो हुई है, और शायद कुछ अच्छे के लिए ही हुई है। अरे चेंज क्यों नहीं होंगी, वो इतनी अच्छी खुशखबरी जो मिली है उन्हें। आई विश मुझे भी उन्हीं की तरह एक मदर इन लॉ मिले।
अब कुछ चाहिए था बेटा? आपको पता है मैं उस टाइम पे किचन में ही था जब मऊआ आई थी और उसने बोला था कि बाहर से जो मिठाई लेके आई है वो बहुत महंगी है। अच्छा, समझी। पर मैं नहीं समझा आपने प्राची के सामने ऐसा क्यों बोला कि जो लड्डू है वो आपने अपने हाथ से बनाए, क्यों झूठ बोला आपने?